दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन, अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रविवार को प्रकृति के प्रकोप से अस्त व्यस्त हो चुके पालमपुर के एकमात्र पर्यटन स्थल सौरभ वन विहार का दौरा किया। वन मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि न्यूगल खड्ड के कारण सौरभ वन विहार को जो क्षति पहुंची है उसका आंकलन किया जा रहा है, लेकिन इस स्थल पर इसका पुनर्निर्माण करना गलत होगा, क्योंकि उनकी यह सोच है कि अब जिस तरह प्रकृति अपना खेल खेल रही है उसके मद्देनजर नदियों और नालों के किनारे किसी भी प्रकार की विकासात्मक या रचनात्मक गतिविधियों को रोकना जरूरी है, क्योंकि यह धन का दुरुपयोग करने के ही बराबर है। उन्होंने कहा कि अभी हम पूरे रूप से नहीं कह सकते कि यह तहस नहस हुआ पर्यटक स्थल सौरभ वन विहार कहां निर्मित होगा, जिसके लिए अब कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा तथा यहां की स्थानीय लोगों के भी विचार ध्यानार्थ किए जाएंगे। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने भी इस स्थल को अन्य किसी स्थान पर बनाने की ही वकालत की। विचार करेंगे सब लोग साथ, लेकिन अब ये शहीद की याद में स्मारक था, लेकिन इतना कुदरत ने नुकसान किया है। अब आगे की क्या रणनीति हुई है विचार करेंगे, और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी विचार करेंगे, और भी जैसा सब मिलके करेंगे तो उसको उस विभाग की तरफ से जब यहाँ के स्थानीय लोग जैसा चाहेंगे तो स्थानीय लोग चाहेंगे, लेकिन है कि मुझे लगता है कि अब कम से कम यह है कि स्थानीय लोगों का कहना ठीक है कि भाई यहाँ पर बने, लेकिन मुझे एक और बात भी लगती है कि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में हमको एक प्रयास करना चाहिए, नदी और नालों से दूर अगर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तक ऐसा है कि मैं बहुत जल्दबाजी में मैं कुछ भी इसमें कह पा रहा, क्योंकि एक तो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए है कि सब लोगों से चर्चा करेंगे, जैसा सबका विचार बनेगा उसके मुताबिक देखेंगे, और अगर कोई आवश्यकता हुई तो फिर कमी कोई नहीं रहने देंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पालमपुर से संजीव भागला की रिपोर्ट।